चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। ट्रैक्टर और ट्रॉली में टक्कर हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता हुए हादसे का शिकार। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता, हादसे में एक कार्यकर्ता की दर्दनाक मौत, दो घायल बताए जा रहे हैं। रिठोले चौराहे के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं। रिठोले चौराहे के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर और ट्रॉले में टक्कर हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हो गए हैं। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता, हादसे में एक की दर्दनाक मौत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हुए। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता, हादसे में एक कार्यकर्ता की मौत, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिठोले चौराहे के पास ये हादसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, ट्रैक्टर और ट्रॉले के टक्कर हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉले में टक्कर होती है, बीजेपी कार्यकर्ता इसके शिकार हो जाते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से जो जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ की ओर से जिला परिषद के तत्वावधान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुखवाड़ा में कराया गया था, वहीं समापन के बाद देर रात्रि को जब कार्यकर्ता वहां से ट्रैक्टर के ट्रॉली में सामान लेकर वहां से लौट रहे थे, तो इसी बीच में ट्रॉले ने पीछे से टक्कर मारी, जो ट्रैक्टर को उसका साथ ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया था। और इसके अंदर दालचंद रेगर जो कि गंगरार निवासी था, उसकी मौके पर मौत हो गई थी। बहुत दर्दनाक मौत थी, जिससे कि देखा नहीं गया बहुत से लोगों को वहां पर। इसके अलावा गोपीलाल रेगर और शंकरलाल रेगर जो कि दोनों ही नयावास बोलो का सावदा के निवासी थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद चिकित्सकों ने रात को देर रात्रि को शंकरलाल को उदयपुर रेफर किया उपचार के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये देखने वाली बात सबसे बड़ी है कि यह राजनीति की कबड्डी थी, न कि किसी विशेष आयोजन था कबड्डी का। ये राजनीति में जिला प्रमुख के जो नाराज कार्यकर्ता थे उन्हें मनाने के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो कि आम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए शायद दुर्घटना का कारण बना है। इसके लिए यहाँ पर जिला प्रमुख सवेरे 7 बजे चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचे थे, और जो मृतक दालचंद रेगर है उसका पोस्टमार्टम आनंद फानंद में करवा करके शव को परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है सृष्टि यहाँ पर कि जिला प्रमुख ने जो चिकित्सालय में भर्ती यहाँ पर गोपीलाल था उससे कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए, और जब दालचंद रेगर का अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पर भी वो उन्होंने पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। तो कुल मिलाकर ये राजनीति की कबड्डी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महंगी पड़ी है सृष्टि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारी के लिए।